करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों शर्जील इमाम की। शर्जील इमाम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो इनके बिगड़े बोल सामने आए हैं, आज हम उनकी बात करेंगे और कैसे इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। हालांकि वो तो होना ही है क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन पास है, ठीक है, तो वैसे भी एक चेहरे की जरूरत थी, लेकिन जो इन्होंने बोला है वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो आज हम शर्जील इमाम की बात करेंगे, कंट्रोवर्सी क्या है, साथ ही साथ क्या क्या बातें की जा रही हैं, पूरी कहानी क्या है, शॉर्ट बायोग्राफी शर्जील इमाम की आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरन को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगर हम शर्जील इमाम की बात करें, बिहार से आते हैं ये, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के काकू गांव से आते हैं ये। इनके पिताजी जो हैं नेता हैं, जी हाँ, काफी प्रतिष्ठा है उनकी, जेडीयू के नेता हैं, ठीक है ना, जेडीयू के नेता हैं, इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, हार गए, जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इनके चाचा जी भी, अगर इनके चाचा की जी की भी बात करें तो वो भी जेडीयू के नेता हैं, तो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, ठीक है। शर्जील इमाम का नाम आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो अब इनके दोस्त ये कहते हैं कि शर्जील इमाम यही चाहता था कि किसी बस एक बार अटेंशन आ जाए, सरकार एक बार उनके ऊपर ध्यान दे, ठीक है, तो अटेंशन के लिए या हमारी बातें सुनी जाए, इसलिए शर्जील इमाम ने ये सारी चीजें रची। लेकिन अब बातें सुनने के लिए आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो किसी को भी रास नहीं आएगी। तो जहानाबाद यानी कि बिहार से आते हैं ये, ठीक है, बहुत ही जो इनका चाइल्डहुड है और जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, कमाल, बिल्कुल ब्रिलियंट चाइल्ड थे ये। इनके टीचर जो हैं बताते हैं 100 में से 98 नंबर आए थे इनके कंप्यूटर साइंस में, समझ रहे हैं, बोर्ड जो 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ और उसके बाद कॉपी को रीचेक करवाया गया क्योंकि ये देखा गया कि शर्जील इमाम के 100 में 100 क्यों नहीं आए, इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे। जो इनके आसपास दोस्त रहते हैं बोलते एक्सट्रीमली नॉलेजेबल है, काफी नॉलेज है इनको, काफी ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए इन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया। आईआईटी का एग्जाम दोस्तों भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी सबसे ऊपर है भारत की अगर बात करें, ठीक है ना। तो आईआईटी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने आईआईटी क्लियर किया, ठीक है ना, अपनी स्कूलिंग करने के बाद, और उसके बाद इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ली, ठीक है। लेकिन इतिहास में इनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। शर्जील इमाम बताते हैं कि वहां पे जो 200 अंडर ग्रेजुएट्स थे, मैं इकलौता मुस्लिम था, अब इनको इतिहास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो कहां आ गए ये, जेएनयू, जी हां, ग्रेजुएशन किया, आईआईटी बॉम्बे से डिग्री ली, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, बाहर निकले, 2 साल काम किया एक सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में, इसी दौरान ये कई बार यूरोप भी गए और इनके परिवार वाले, इनके दोस्त ये कहते थे कि अब तुम्हारी लाइफ सेट है यार, ठीक है, आराम से घूमो फिरो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शर्जील इमाम हिस्ट्री पढ़ने के लिए जेएनयू आए, एमए में एडमिशन लिया और उसके बाद अभी मॉडर्न हिस्ट्री से वो पीएचडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज है। अब ऐसा है कि शुरू से ही इनके अंदर वो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, क्योंकि घर में भी पॉलिटिक्स होती थी, पिताजी भी पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिक्स तो थी ही। तो हम यहां पे देखते हैं कि जब ये जेएनयू आए, ठीक है, जब ये जेएनयू आए, इनकी स्पीचेस ने काफी लोगों को इंप्रेस किया, काफी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रेस किया। वैसे आपको बता दूं, शर्जील इमाम सारी ऑर्गेनाइजेशन को नकारते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सबके खिलाफ, वो कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलते हैं, वो लेफ्ट के खिलाफ बोलते हैं, वो एबीवीपी के खिलाफ बोलते हैं, गांधी जी को फांसीवादी बोलते हैं शर्जील इमाम, बताइए, तो सबके खिलाफ वो बोल रहे हैं, ठीक है ना, सिवाय बीजेपी और मोदी जी के। जी ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो 40 मिनट का वीडियो, जो 2.5 मिनट की क्लिप जो वायरल हो रही है, ठीक है, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, जो 40 मिनट का वीडियो है वो अगर आप पूरा देखें तो उसमें सबके खिलाफ बोला है, मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला है, ना आरएसएस के खिलाफ बोला है। तो अब ऐसा राजनीतिकरण हो गया है इस पूरे के पूरे मामले का कि कुछ कहने को नहीं, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब ये जेएनयू गए तो वहां पे बहुत ये बात करते थे, इस्लामोफोबिया की बात करते थे, आर्टिकल्स लिखते थे,
इसी दौरान इनके पिताजी 2014 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है ना, तो हम ये भी देखते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम जब शर्जील इमाम जेएनयू में थे, ठीक है, तो इनकी रेपुटेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इनके पॉइंट ऑफ व्यू लोग सुनते थे वो थोड़ा सा कट लेते थे, ठीक है, और यही शाहीन बाग के साथ हुआ है। अब इन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA को ज्वाइन किया, ठीक है, जो कि CPIML की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पे, ठीक है, उसकी एक स्टूडेंट विंग है। आपको पता ही है जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं हमेशा उनकी एक स्टूडेंट विंग होती है, ठीक है ना, जैसे बीजेपी की ABVP है, कांग्रेस की भी है, और ऐसी CPI की AISA है, ठीक है ना, और ये JNU में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, ये सबको पता है दोस्तों। अभी JNU में हिंसा हुई थी ना, AISA की जो प्रेसिडेंट थी उनको बहुत ज्यादा चोटें आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामोफोबिया, लोग इस्लाम से कैसे डरते हैं इसके बारे में आर्टिकल लिखना, और बहुत सारे लिबरल फोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इसके बारे में बातें लिखना, तो शर्जील इमाम ने इस दौरान बहुत ही ज्यादा आर्टिकल जो है वो पब्लिश किए, ठीक है। अब हम देखते हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन सरकार का टेंशन नहीं आ रहा है, सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। तो दोस्तों 25 जनवरी को सरकार ने इनकी बात सुन ली, 25 जनवरी को संबित पात्रा जी ने, उनकी बायोग्राफी अवेलेबल है आप देख लीजिएगा, संबित पात्रा जी ने 2.5 मिनट का वीडियो क्लिप ट्वीट किया, ठीक है, और जब वो वीडियो क्लिप आया वो वायरल हो गया, वो तुरंत वायरल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो वायरल हुआ उसके बाद कहां है शर्जील इमाम, इनको ढूंढो, और ऐसी धरपकड़ चालू हुई है। क्या था उस 2.5 मिनट के वीडियो में, आसाम को काटने की बात कर रहे थे, देशद्रोह की बात कर रहे थे। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपको पता ही है कि छोटा सा वो है ना चिकन नेक, ठीक है, इसीलिए उसको चिकन नेक क्यों बोलते हैं, एक बार आप उसको काट दीजिए, अगर आप जो चिकन होता है उसके आप गर्दन को काट दें तो उसकी जान गई, ठीक है, तो अगर आप उसको काट देंगे तो भारत की जान चली गई। तो वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना छोटा सा, तो उसको काटने की बात कर रहा है कि अगर 5 लाख मुस्लिम एकदम से एक्टिव हो जाएं और इस एरिया को काट दें, इस एरिया को भारत से अलग कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि दोस्तों जब इसका पूरा वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, मैं दोनों व्यूज बताते हुए चल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो उसमें ये ब्लॉकेट की बात कर रहा है, ठीक है, वो एक चीज जो इसने काटने की बात कही वो पकड़ ली गई, ठीक है। अब देखिए चाहे ब्लॉकेट हो चाहे काटना हो, ये जो इसने बात कही है सरासर गलत है, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। फिर तर्क भी ऐसे दिए जा रहे हैं जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि बाद में इनकी माताजी आई हैं, इन्होंने सफाई दी है कि मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, मेरे बेटे ने कभी ऐसा काम नहीं किया, वो हमेशा लोगों के लिए काम करता रहा है। जो भी उसके बारे में खबरें चलाई जा रही हैं कृपा आप उन पे विश्वास ना करें, जांच हो जाने दें। तो खबरें आ रही हैं, पॉलिटिसाइजेशन भी हो गया है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो इनकी स्पीच है ये 13 जनवरी की है, अलीगढ़ में दी थी। पहले ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ये जो स्पीच है वो शाहीन बाग से दी थी, ठीक है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो अलीगढ़ की है। हालांकि इससे पहले दिसंबर 2019 में भी इन्होंने जामिया में एक स्पीच दी थी, और जामिया प्रोटेस्ट जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, शर्जील इमाम के हिसाब से जो प्रोटेस्ट नहीं चल रहे हैं ये उससे सहमत नहीं है, ठीक है ना। अब शाहीन बाग में गांधीयन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो पूरी रोड ब्लॉकेड है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स आप देख ही रहे उस पर कितनी गंदी हो रही है, ठीक है। तो जो शाहीन बाग में जो पूरा मूवमेंट हो रहा है वो गांधीयन वे पे चल रहा है। अब जब ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो सामने आया तो यहां पे शाहीन बाग से जोड़ के देखा जाने लगा, क्यों, अब यहां पे पॉलिटिसाइजेशन राजनीतिकरण हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि दिल्ली में है इलेक्शन और कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए था जो वो प्रोजेक्ट कर सके कि अब आपको पता ही है कि बीजेपी का जो स्टांस है वो एंटी शाहीन बाग है, ठीक है, तो कोई ऐसा चेहरा वो प्रोजेक्ट कर सके ताकि शाहीन बाग के मतलब वो उनके मोराल को तोड़ सके। लेकिन जैसे ही ये स्पीच सामने आई शाहीन बाग ने अपने आप को किनारा कर लिया, ठीक है, शर्जील इमाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुरंत ट्वीट आया कि शाहीन बाग से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई कमिटी नहीं है, क्योंकि शर्जील इमाम शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मास्टरमाइंड बताता रहा है। शुरुआत में शर्जील इमाम ने डेफिनेटली जो ब्लॉकेट आप देख रहे हैं, जो जिस ब्लॉकेट की बात कर रहा है शर्जील इमाम ने, हम देखते हैं कि शुरुआत में ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उसके बाद ये प्रोटेस्ट आगे कैसे चलना चाहिए मतभेद हो गए
और उसके बाद शर्जील इमाम हट गया, ठीक है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट अभी भी जा रहे हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। और उसके बाद सारी महिलाओं ने ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट अपने हाथ में लिया और तब से लेकर अभी तक वो बैठी हुई हैं। शर्जील इमाम चाहते थे कि प्रोटेस्ट दूसरी तरीके से चले, लेकिन इनसे लोग सहमत नहीं थे, किनारा कर लिया। तो शाहीन बाग से ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली उन्होंने बोला है, हमारी कोई कमिटी नहीं है, हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, इसलिए हम अपने आप को किनारा कर, हम शर्जील इमाम ने जो जो भी बोला, जो भी उनकी स्पीच रही है, हम साइड में हैं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है हमारा उनसे। अब दोस्तों यहां पे जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, वो शर्जील इमाम को शाहीन बाग से जोड़ के बता रही है, क्योंकि भैया ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है। इधर आम आदमी पार्टी भी अब दोनों तरफ से भयंकर, कांग्रेस भी कूद गई है, तो अब इसका पूरा राजनीतिकरण जो है वो चल गया है। तो शर्जील इमाम चाहते थे कि सरकार उनकी बात सुने, अब सरकार उनकी बात सुने तो बात सुनने का ऐसा खतरनाक तरीका तो पहली बार देखा कि ऐसे मतलब बोलो कि लोगों को जो संदेश जाए वो बहुत ही गलत जाए। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों, देश के खिलाफ बातें दोस्तों कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही शर्जील इमाम के दोस्त भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है या अगर आप उसकी बातें सुने, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ब्लॉक कर दो, चक्का जाम कर दो, काट दो, गलत है ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो 40 मिनट की स्पीच है, ये कांग्रेस को भी स्लैम करता है, कांग्रेस की भी बुराई करता है, कांग्रेस को भी बेकार संगठन बताता है, लेफ्ट को भी बेकार संगठन बताता है, एबीवीपी की भी बुराई करता है, कन्हैया कुमार की भी बुराई करता है, इरफान हबीब के खिलाफ जो कि जाने माने हिस्टोरियन है उनके खिलाफ भी ये मतलब खड़ा होता है, लेकिन यहां पे आरएसएस और मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। तो इस पे भी अब बातें चल रही हैं कि पूरा वीडियो, अगर आपको वीडियो दिखाना था तो आप पूरा दिखाइए, समझ रहे हैं। हालांकि ये सब जांच का विषय है, अभी जांच हो रही है, इनसे पूछताछ जो है वो जारी है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ, ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई CAA और NRC के खिलाफ, ये पूरे जो प्रोटेस्ट है वो चल रहे हैं, ठीक है, शाहीन बाग में भी चल रहे हैं। तो अब यहां पे CAA के भी खिलाफ इसने बोला कि अभी कुछ महीने में आप देखेंगे कि आसाम में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। आसाम में दोस्तों ऐसी हिंसा नहीं हो रही है, ठीक है, जैसा ये बता रहे हैं, ठीक है। मेरे पिताजी खुद आसाम में ही थे, गुवाहाटी में थे, ठीक है, वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ही पीसफुल हो रहे हैं, कोई भी, आपने कोई भी ऐसी बात सुनी क्या वहां से? नहीं ना। तो यहां पे ये बोलते हैं कि CAA और NRC के चक्कर में अभी 6-8 महीने में वहां पे लोग मारे जाएंगे, ठीक है, वहां पे कत्लेआम होगा। अब ये लोगों को भड़काना हुआ ना, ठीक है। शर्जील इमाम हाईली एजुकेटेड है और जब ऐसा इंसान लोगों को कुछ बोलेगा तो लोग विश्वास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता है। तो भैया अपने बोल को, अपने शब्दों को ध्यान से यूज करना चाहिए। तो जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद हम देखते हैं कि शर्जील इमाम की ढूंढैया शुरू हुई। अब शर्जील इमाम जो है वो दिल्ली के वसंत कुंज में रहते हैं किराए का मकान लेके। पहले दिल्ली पुलिस वहां गई कि यहां पर मिले, वो तो नहीं मिले, लेकिन उनका लैपटॉप और उनका डेस्कटॉप मिला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये गए बिहार के जहानाबाद, वहां से इनका मोबाइल मिला। शर्जील इमाम कहां थे? शर्जील इमाम पहले तो गए थे पटना, ठीक है, CAA और NRC के जो प्रोटेस्ट रहे थे वहां पे हिस्सा लेने। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि सरकार इनको ढूंढ रही है, वो हो गए अंडरग्राउंड। जी हाँ, वो जब 25 जनवरी के बाद से अंडरग्राउंड है। परसों उनको, नर्सों वेंसडे को उनको अरेस्ट किया गया। अब यहां पे बोल रहे हैं कि पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन उनके जो साथ वाले लोग हैं, शर्जील इमाम के जो साथ हैं, उन्होंने बोला कि शर्जील इमाम ने आके खुद सरेंडर किया है, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। और अब इन पे मुकदमा चलाया जाएगा और इनको 28 जनवरी को, अब मतलब जहानाबाद से ही, जो इनका होम टाउन है, वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और अब इनके ऊपर FIR भी हो गई है, सेडिशन चार्जेस, देशद्रोह। भैया बोलेंगे तो आप, अब जैसा आप करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, उन्होंने पकड़ा और अब इनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल पूछताछ में यही सामने आया है, शर्जील इमाम ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो भी वीडियोज है वो डॉक्टर्ड नहीं है, वो जैसे है वैसे ही है, ठीक है, जो मैंने बोला वो बिल्कुल, मतलब उसमें जो भी बोला है, ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ, वो सब सही था। तो अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ये पूरी की पूरी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, ठीक है ना, पूरी की पूरी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी जो शर्जील इमाम बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जो ब्लॉकेट की बात हो रही है, ठीक है, इससे पहले भी ब्लॉक किया जा चुका है रस्तों को। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हिंदूवादी संगठन जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जाट आंदोलन में दोस्तों
पानी की सप्लाई लाइन काट दी थी, आर्मी को बुलाना पड़ा था, जो जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ था ना उसमें पानी की जो सप्लाई लाइन थी वो पूरी काट दी गई थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम पूरा का पूरा ब्लॉक कर देंगे, और अगर ब्लॉक करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है कि आर्मी को कितनी ज्यादा जद्दोजहद, वो भी सिलीगुड़ी नेक, अगर वो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट गया, ठीक है। तभी तो चाइना आप देख रहे हैं कि कुछ उस एरिया में, ठीक है, जो डोकलाम और पूरा सिक्किम वाला जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें हम देखते हैं कि चाइना अपनी बहुत ज्यादा पैठ बना रहा है, क्यों, ताकि चिकन नेक कॉरिडोर को काट दिया जाए, ये मंशा हो सकती है चाइना की, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें बोल रहा था, और अब इसके ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस में भी दर्ज हुई है, मणिपुर में भी दर्ज हुई है, आसाम में भी दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धाराएं लगाई है, 124 है, 124 है, जो कि सेडिशन चार्जेस है, देशद्रोह के चार्जेस, फिर 153A, क्या डिसहार्मनी, एनमिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस, बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी, इन सबको आप वॉयलेट कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि लोगों में अशांति फैले, संप्रदायवाद फैले, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये धाराएं लगाई गई हैं, पूछताछ जारी है, अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, ठीक है। जो देश के खिलाफ बात करेगा दोस्तों वो तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि डेमोक्रेसी में सबके पास राइट्स होता है, आप ठीक है बात करिए, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे उकसा रहे हैं और अगर भीड़ ऐसे उत्साहित हो जाए तो फिर ये तो गलत है ना, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है आगे, फिलहाल अभी तक की पूरी कहानी ये थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।